देखिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको अपने पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा रहे थे क्या रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, आपको बता रहे थे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या कि किस प्रकार से हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। और इस कड़ी में हमने आपको पूरा एडवर्ब टू का प्रयोग हमने आपको बताया था और आपसे बताया था कि अब हम अपने अपने अगले वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अगर सब्जेक्ट एडवर्ब टू के प्रयोग में अगर सब्जेक्ट और उसका प्रोनाउन अलग अलग मैच ना करते हो तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में हम एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करेंगे, ये आपको हम बताने वाले हैं, बताएंगे आपको। तो क्लास 12 वाले बच्चे आप जो है और आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से जब सब्जेक्ट और आप जो मैच ना करते हो तो किस तरीके से आप करोगे, जानते हैं क्या यहां पर उसके आगे से आप नोट करेंगे क्या, ये आपका नोटिफिकेशन क्या नोट करना है कि सब्जेक्ट और प्रोनाउन अलग अलग होने पर, जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो तो क्या लिखना में है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसका प्रोनाउन अलग अलग हो तो ऐसी अवस्था में हम एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते हैं, ये हमें देखना है। तो इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है कि फॉर प्रीपोजिशन फॉर के साथ में जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं उनको हम सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के फॉर्म में या उसके नॉमिनेटिव, मतलब जब प्रोनाउन का प्रयोग करें हम तो उसको नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। क्या करना आपको है कि सब फॉर के साथ में आए हुए प्रोनाउन, क्या करना आपको है कि अगर आपका सब्जेक्ट और प्रोनाउन अलग अलग है मैच नहीं कर रहा है तो ऐसी अवस्था में करना क्या है आपको कि फॉर के साथ में जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन है उसको हम दैट के पश्चात में, कंजंक्शन दैट के पश्चात में उसके प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। ठीक है, क्या करना आपको है कि फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर यू को यू में, फॉर देम को क्या करेंगे, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में, एक्सेट्रा में चेंज कर देते हैं। तो आप जैसे कि हमने देखा दिखा रहे आपको है करना क्या है कि सब्जेक्ट और प्रोनाउन अगर अलग अलग होंगे तो फार के साथ में जो मी दिया हो तो उसको कंजक्शन के बाद में हम नॉमिनेटिव केस आई में चेंज कर देते हैं,
फॉर अस को वी में चेंज कर देते हैं, फॉर यू को यू में चेंज कर देते हैं, फॉर देम को दे में चेंज कर देते हैं, फॉर हिम को हम ही में चेंज कर देते हैं। प्रकार के बाद यह है कि फॉर के साथ में जो भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, बनाते समय रिमूव करते समय जो हम कंजक्शन दैट लगाते हैं, उसके बाद में हम इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को इनके नॉमिनेटिव फॉर्म में यानी कि ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फार्मिंग को आई में, फार अस को बी में, फार यू को यू में, फार देम को दे में, फार हिम को ही में चेंज कर देते हैं, आर यार में चेंज कर देते हैं। अगर कोई नाउन ही दिया हुआ है तो उसी नाउन में ही चेंज कर देते हैं। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला देते बनाते हैं और उस फार्मूले के अनुसार हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, देखते हैं फार्मूला। तो इसके लिए आप फार्मूला देख लीजिए, क्या फार्मूला रहेगा, बनाते हैं इसका फार्मूला। फार्मूला क्या करेगा, आप पहले वाले में फार्मूला देख रहे थे कि जब हम कंजक्शन टैग के बाद जो प्रोनाउन लगाते थे उसका सीधा सीधा संबंध सब्जेक्ट से होता था, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट अलग होगा और उसका प्रोनाउन अलग होगा, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में हम दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और वो फॉर्मूला क्या होगा, सीधी सी बात है कि कंजक्शन के बाद में जो हमें प्रोनाउन लगाना है वो ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में बदल करके लगाना है। क्या रहेगा फॉर्मूला, सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, फिर क्या करना है, हमें लगाना है इज आर एम, अगर वाक्य आपका प्रेजेंट में है तो, और वाज अथवा वर, वाज अथवा वर कब लगाना है, जब वाक्य आपका हो पास्ट में, प्लस आपको लगाना है पहले के समान ही, तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा पहले वाले फॉर्मूले में। तो सभी लगाया इज आर एम लगाया अथवा वाज को लगाया और प्लस हमने सो का प्रयोग किया, प्लस वाक्य में दिया हुआ एडजेक्टिव लगाया, उसके बाद में कंजक्शन हमने डैट लगाया, कंजक्शन हमने डैट लगाया, डैट के बाद में हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया, नॉमिनेटिव केस में चेंज करके, क्या लगाया हमने डैट के बाद एक प्रोनाउन लगाया नॉमिनेटिव केस में चेंज करके, प्लस सेंटेंस के टेंस के अनुसार कैन नॉट अथवा कुड नॉट का प्रयोग किया, कैन नॉट अथवा कुड नॉट का प्रयोग किया और प्लस जो आपकी वही वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म और प्लस जो अन्य शब्द बचे वो आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपका रहेगा फॉर्मूला तब जब सब्जेक्ट और प्रोनाउन का आपस में संबंध ना हो, तो ऐसी अवस्था में हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस में दिए हुए इज आर एम या वाज वर का प्रयोग करना है टेंस के अनुसार, उसके बाद में हमें इज आर एम वाज वर के बाद में सो का प्रयोग करना है, सो के पश्चात में जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव लगा हुआ है उस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है और उस एडजेक्टिव के पश्चात में हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, उसके बाद में हमें फॉर मी या जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन दिया हुआ है उसको हटा करके
उसको हम प्रोनाउन प्रोनाउन में लाएंगे, वो भी नॉमिनेटिव केस में। एक प्रोनाउन लगाएंगे उसको नॉमिनेटिव केस में चेंज करके, और प्लस उसके बाद में हमें सेंटेंस के अनुसार अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग, पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस बाकी शेष वर्ड्स रख देंगे, जैसे कि उसके साथ में कैन नॉट और कुड नॉट के साथ में वर्ब की फॉर्म और शेष बचेंगे सब लगा देंगे। हम आपको एग्जांपल देते हैं कैसे आप बनाओगे, दिखा है क्या, द कार इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय, आई दिस टाइम। सिंपल लिखा हुआ है क्या, द कार इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय एट दिस टाइम। ये सिंपल लिखा हुआ है कि द कार इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय एट दिस टाइम, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है वो है क्या, द कार। भैया इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द कार है, और इसका जो प्री इसका जो प्रोनाउन है वो दिया हुआ है क्या, मी। क्या दिया हुआ है, मी। तो इसको हम बनाते हैं इस वाले फॉर्मूले के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, द कार। हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, द कार। क्या है भैया, द कार। अब इज आर एम वाज पर जो भी सेंटेंस में दिया हुआ है उसको हम प्रयोग करते हैं, क्या दिया हुआ है, इज, तो क्या लगाएंगे, इज, और टू को जो एडवर्ब टू होगा उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, उसको हम सो में चेंज कर देंगे, उसको हम सो में चेंज कर देंगे पहले के अनुसार, पहले वाले फार्मूले के अनुसार जो आपका नोट होगा आपके पास में, तो पहले वाले फार्मूले के अनुसार ही हम जो एडवर्ब आपका टू होगा, क्योंकि हम रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू ही तो देख रहे हैं कि कैसे हमें एडवर्ब टू हटाना है, तो एडवर्ब टू को हटाइए और आपको लगाना क्या है, सो। जहां पर एडवर्ब टू लगा है वहां पर आपको क्या लगाना है, सो। इज आर एम वाज वर्ब के बाद में जहां पर एडवर्ब टू लगा है वहां पर हमें क्या लगाना है, सो लगाना है, तो लगा दीजिए, सो लगाया। अब लिखा है क्या, हमें लगाना है एडजेक्टिव, तो जो भी सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव लगा हुआ है उसी एडजेक्टिव को हम सो के बाद में प्रयोग करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या लगा हुआ भैया, कॉस्टली। क्या लगा हुआ है, कॉस्टली, तो कॉस्टली आपको एडजेक्टिव का प्रयोग किया। फिर हमने आपको बताया जो चेंज करना है जो चीज वो क्या थी, कि अगर यहां पर इसके बाद में क्या लगाना आपको है, कंजक्शन दैट लगाना है, एडजेक्टिव के बाद में कंजक्शन आपको दैट लगाना है, दैट लगा दिया। दैट के बाद में जो हम सब्जेक्ट से संबंधित जो प्रोनाउन हम सब्जेक्ट से संबंधित जो लाते थे इसके पहले वाले फॉर्मूले में, है ना, तो वहीं पर ही केवल परिवर्तन करना है, बाकी पूरा पूरा नियम आपका वही रहता है। क्या बताया था नियम में आपने उसके पहले आपको, कि अगर फॉर मी हो तो प्रोनाउन हम दैट के बाद आई लगाएंगे, फॉर अस हो तो कंजक्शन के बाद में हम प्रोनाउन वील का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि फॉर को हटा देते हैं और दैट के बाद में दिए गए फॉर के साथ में जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगा हुआ है उसको, जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन लगा हुआ है उसके प्रोनाउन को हम उसके नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देते हैं। आप आसानी से शायद समझ रहोगे कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में जो भी प्रोनाउन लगा हुआ है
कंजक्शन के बाद में हम उसको नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। तो आप जानते हो मी प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस होगा, जो सब्जेक्टिव केस होगा, जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका आई, क्या होगा आई होगा। अब सेंटेंस के अनुसार आप देख लीजिए प्रोनाउन लगा हुआ है, नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देते हैं, हमने आपको जो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है इसको हमने नॉमिनेटिव केस में चेंज करके दिखा दिया, जैसा कि लिखा हुआ है फॉर्मूले में कि नॉमिनेटिव केस में चेंज करके हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव केस में चेंज करके हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है। देखो अब सेंटेंस के अनुसार हमें क्या करना है, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है, करना है कैन नॉट का प्रयोग या कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस आपका देखिए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में होता है तो कैन नॉट का प्रयोग, पास्ट में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट आप जो आपका सेंटेंस है उसमें लगा है इज, यानी कि वाक्य आपका प्रेजेंट में है, और जब जब वाक्य आपका प्रेजेंट में होगा तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है कि कैन नॉट का प्रयोग करना है। तो दैट आई कैन नॉट, बाकी पूरा का पूरा वही रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड क्या लगी है बाय, तो बाय आई, जो बाकी अदर वर्ड से कंप्लीमेंट्री वर्ड से हमको आपको चेक कर देना है आई दिस टाइम। एक वाक्य लेते हैं हम, जो वाक्य आपका प्रेजेंट में हो, ये तो था पास्ट में, तो ये तो था प्रेजेंट में, एक ऐसा वाक्य लेते हैं सॉरी जो आपका पास्ट में, मतलब वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग हो, जहां पर वाज वर्ब का प्रयोग हो। दिखाया क्या एग्जांपल, दिखाया क्या लिखा है द ट्री वाज टू टॉल फॉर द चाइल्ड टू कैच इट्स सिंबल लिखा हुआ है द ट्री वॉज टू टॉल फॉर द चाइल्ड टू कैच इट्स ब्रांच, अर्थात पेड़ बच्चे के लिए इतना लंबा था कि वह इसकी शाखा पकड़ नहीं सकता था। तो इसको बनाते हैं हमें क्या कह रहा है कि द, पहले लगाते हैं क्या हम सब्जेक्ट द ट्री, फिर इज आर एम वाज वर्ग से क्या लगाते हैं हम वाज, तो वाक्य पास्ट के उसी वर्ग का प्रयोग करेंगे ट्री वाज, फिर क्या करना हमें है सुबो सोवे लाना है सो, फिर एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है टाल, तो क्या लगाया टाल। इसके बाद में कंडीशन लगाना है ट्री वाज सो टाल, कंडीशन लगाना है क्या टाइम दैट का प्रयोग किया, और दैट के बाद हमने क्या बताया कि अगर फार के साथ में बी हो तो आई का प्रयोग करेंगे, फार के साथ में यहां पर अस होता तो यहां पर हम बी का प्रयोग करते, फार देम के साथ में यहां पर फार के साथ में देम होता तो यहां पर दे शब्द का प्रयोग करते, अगर यहां पर फार हिम होता तो यहां पर ही शब्द का प्रयोग करते, लेकिन अगर कोई नाउन दिया है, अगर कोई नाउन दिया हुआ है तो हम सब, तो हम दैट के बाद में, दैट के बाद में सबोर्डिनेट क्लास में दैट के बाद में हम उसी को ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेंगे, फार को हटा देंगे और उसी को ही सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग कर लेंगे दैट, सभी क्या क्या बनेगा द चाइल्ड। अगर प्रोनाउन नहीं है तो, अगर प्रोनाउन नहीं है कोई नाउन दिया हुआ है तो उसी नाउन को ही हम सब्जेक्ट के रूप में दैट के बाद में प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या होगा द ट्री वाज सो टॉल दैट, क्या बन गया द चाइल्ड, चूंकि वाक्य आपका पास्ट में है तो क्या होता है हमने वाक्य अगर प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट का प्रयोग, और अगर पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग, तो हमें क्या लग रहा है कुड नॉट।
क्या लगाना है? गुना बिटवीन वास टू द बैक द चाइल्ड कुड नॉट और बाकी पूरा का पूरा हम वैसे लिखते टू कुड नॉट पर क्या है कैच और इट्स ब्रांच। ये आपने देख लिया किस प्रकार से हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से जब सब्जेक्ट और इसके प्रोनाउन अलग अलग हो तो किस प्रकार से हम एडवर्ब को रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको दो एग्जांपल भी दे दिए हैं और आशा करता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि जब सब्जेक्ट और प्रोनाउन अलग अलग हो तो किस प्रकार से हम एडवर्ब को अलग करते हैं। और इसके पश्चात में मैं आपको दिखाता हूं कि अगर एडवर्ब टू के प्रयोग में सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं। चलिए तो इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि किस अगर एडवर्ब टू के प्रयोग में सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो ऐसी अवस्था में हम कैसे एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जानते हैं कि नोट कहलाते हैं नोट सेंटेंस लिखते हैं क्या सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होने पर। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म में है तो ऐसी अवस्था में आप क्या करते हो, क्या करेंगे? करना क्या आपको है कि सबोर्डिनेट क्लास में सबोर्डिनेट क्लास के सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में ले आते हो। दिया हुआ है क्या, क्या करेंगे हम निगेटिव होने पर, क्या करेंगे हम कि सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लास को अफर्मेटिव में रखते हैं। क्या करना आपको है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो सबोर्डिनेट क्लास को हम अफर्मेटिव में रखते हैं। कैसे देखिए जरा क्या इसका हम आपको फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। करना क्या आपको लगाना है क्या सब्जेक्ट पहले के समान ही फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस बाद में जो ही इज आर एम अगर वाक्य प्रेजेंट है तो आप इज आर एम लगाते हो, वाक्य पास्ट में होता है तो आप वाज अथवा वर लगाते हो और उसके बाद में क्या करना है आपको है क्योंकि हमने बताया सेंटेंस अगर निगेटिव में होगा तो इज आर एम वाज वर के बाद में नॉट लगा होगा उसी नॉट को हम अथवा नेवर को हम उसी के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं और एडवर्ब टू को हटा देते हैं, एडवर्ब टू को हटा देते हैं और सो का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में सो के बाद में हम एडजेक्टिव का प्रयोग पहले के समान ही करते हैं एडजेक्टिव और प्लस आप पहले के समान ही डैश कंडीशन लगाते हो और प्लस दिया हुआ नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग करते हो और प्लस कैच जिसके हमने बताया लिखा हुआ है क्या कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव फॉर्म में है तो जो आपकी सबोर्डिनेट क्लास होगी जो भी आपकी सबोर्डिनेट क्लास होगी वो अफर्मेटिव में होगी तो कंजक्शन दैट के बाद में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तभी हमारा भाव एक ही रहेगा। तो नाउन या प्रोनाउन लगाया प्लस कैन अथवा कुड का प्रयोग किया और उसके बाद में पहले के समान ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस शेष
शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हो गया क्या दिया हुआ है क्या सेंटेंस हो गया क्या आपका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अथवा वास पर लगाया प्लस नॉट अथवा नेवर लगाया प्लस सो का प्रयोग किया प्लस आपका एडजेक्टिव का प्रयोग किया प्लस डाइट प्लस नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग किया प्लस सेंटेंस आपका सबोर्डिनेट क्लास अफर्मेटिव में जाएगा तो कैट अथवा फुल का प्रयोग किया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और प्लस हमने अन्य शब्दों का प्रयोग कर दिया जो भी वाक्य में दिए हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। लिखा है क्या दिया सेंटेंस कि ही इज नॉट टू पुअर टू बाय ए कार सेंटेंस दिया हुआ है क्या कि ही इज नॉट टू पुअर टू बाय ए कार। तो आप देख रहे हैं जैसा कि दिया हुआ है कि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होने पर और ये वाला जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है वो नेगेटिव फॉर्म में है। यहां पर इस आर एम के बाद में क्या लगा हुआ है नॉट लगा हुआ है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं जो भी कंजक्शन के बाद में जब आप इन्फिनिटिव को सबोर्डिनेट क्लास में लाओगे तो हम उसको नेगेटिव फॉर्म में ना रख करके अफर्मेटिव फॉर्म में रखते हैं तो हमारा सेंटेंस आपका बन जाता है। क्या करेंगे इसी वाले फॉर्मूले को बनाओ। सब्जेक्ट क्या है भैया सब्जेक्ट हमें लगाना है क्या ही सेंटेंस में दिए हुए इस आर एम वास जो भी आपका सेंटेंस में दिया हुआ है उसका प्रयोग करते हैं। क्या दिया हुआ है इस दिया हुआ है तो इस लगा देंगे प्लस नॉट या नेवर जो भी लिखा हुआ है उस एडवर्ब को हम इस आर एम या वास के बाद ही रखते हैं। क्या दिया हुआ है नॉट दिया हुआ है इसके बाद में हमें क्या करना है एडवर्ब जो हम सीख रहे हैं फिर ध्यान दीजिए जो हम सीख रहे हैं सीख क्या रहे हैं एडवर्ब को हटाना एडवर्ब टू को हटा देना है और सू का प्रयोग यहां पर हमें कर लेना है। सू लगाया सू के बाद कह रहा है क्या लगाओ एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है पुअर क्या करेंगे पुअर का प्रयोग किया हमने और एडजेक्टिव के बाद में कंजक्शन कह रहा है लगाने के लिए क्या दैट तो आप दैट लगा लीजिए और फिर क्या करेंगे हम कि एडजेक्टिव के बाद में हमें नाउन या प्रोनाउन लगाना है नाउन या प्रोनाउन लगाना है तो क्या क्या आएगा नाउन तो कोई दिया हुआ नहीं है प्रोनाउन लगाना है प्रोनाउन क्या आएगा क्या लगाना प्रोनाउन क्या नियम था कि ये फार के साथ में जब आस या फार के साथ में देम फार के साथ ही हिम फार के साथ हर इनका प्रयोग होता है तो हम उससे संबंधित उसके नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। ये इसके पहले वाला नियम था इसको बनाने के लिए हमें वापस पहले वाले नियम में जाना पड़ेगा। क्या करना है पहले वाले नियम में जाना पड़ेगा क्या करना है कि उसी से संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें एक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। क्यों क्योंकि गरीब कौन है ही और कार को खरीद रहा है ही तो दोनों प्रोनाउन जो है वो एक ही है दोनों का आपस में संबंध है। जब संबंध ना हो तो हम क्या करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को नॉमिनेटिव में लाते हैं लेकिन इसके दो इसका इस वाले का सब्जेक्ट और इस वाले का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट दोनों एक ही है तो ऐसे अवस्था में हम पहले वाले नियम यूज करेंगे। क्या करेंगे कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही उस एक प्रोनाउन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसी प्रोनाउन को हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। अगर यहाँ पर नाउन होता तो नाउन के अकॉर्डिंग नाउन के अनुसार हम यहाँ पर प्रोनाउन लगाते यहाँ पर या अगर यहाँ पर दिया होता क्या गोपाल महेश कुछ दिया होता
तो गोपाल या महेश अनुसार यहाँ पर ही आता। यहाँ पर कोई अगर फेमिनाइन जेंडर का सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम प्रोनाउन ही लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन ही दिया है तो ही का प्रयोग हम यहाँ पर प्रोनाउन के लिए लगाते हैं। आप जानते हो नाउन का नाउन के स्थान पर आप प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रोनाउन के स्थान पर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रोनाउन के स्थान पर आप उसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, चाहे जिस प्रकार से हम वाक्य बना रहे हो। तो ही का प्रयोग हम करें क्या, प्रोनाउन के रूप में दैट ही। और जैसा कि मैंने बताया कि जब अगर वाक्य नेगेटिव फॉर्म में हो तो कैन या कुड के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सबोर्डिनेट क्लॉज को, क्योंकि दैट जो आपका है सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन है, अगर वाक्य जुड़ेगा जो बनेगा वो सबोर्डिनेटिंग क्लास होगा, सबोर्डिनेट क्लास होगा, तो क्या करेंगे उस सबोर्डिनेट क्लास में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, केवल हम कैन या कुड का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, इज, मतलब वाक्य आपका प्रेजेंट में, वाक्य आपका है प्रेजेंट में तो क्या लगेगा, कैन। अगर पास्ट में होता तो कुड लगता, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए हम क्या लगाएंगे, कैन। तो ही कैन। और वर्ब क्या है, वर्ब क्या दिया हुआ है, बाय। और जो अन्य सब दिए हुए हैं वो क्या है, एक का, मतलब जो कंप्लीमेंट्री वर्ब्स है वो क्या है, एक का। आपका इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि अगर इन्फिनिटिव टू ना हो, अगर इन्फिनिटिव टू नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं। आपने देखा, अभी तक देख रहे हैं आप कि एडवर्ब टू के साथ में इन्फिनिटिव टू लगा हुआ है तो किस प्रकार से हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, किस प्रकार से हम एडवर्ब टू को हटाते हैं। लेकिन परीक्षा में कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें एडवर्ब टू का, टू के प्रयोग के साथ साथ में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये हम आपको अगले अपने अगले वाले वीडियो में बताते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के इस चैप्टर में जो हमने पढ़ाया है ये अपनी किताब में भी आप देख रहे होंगे, उसके अनुसार अध्ययन करते रहे कर रहे होंगे। और कल हम आपको, जब हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से जब एडवर्ब टू के साथ में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग ना हो उसका नियम हम आपको जब बता देंगे, तो उसके बाद में हम कल आपको होम असाइनमेंट डेट वाइज देंगे। ठीक है, देन बाय बाय।